वेलकम टू SS डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SSC MTS का जो एग्ज़ाम 7 अगस्त 2019 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। इन तीनों शिफ्ट में जितने भी JK GS के क्वेश्चंस बने थे उन सबको आज एनालिसिस करेंगे। ये जितने भी आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तीनों शिफ्ट का, ये ऑफिशियल क्वेश्चंस पेपर का हैंड नोट्स है। ये ना सोचिएगा कि मैं फेक करा दे रहा हूँ कहीं से लेकर, ये ना सोचिएगा, बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक है फ्रेंड्स। यह एग्ज़ाम जो हुआ था ना 2019 में MTS का, यह एग्ज़ाम 2 अगस्त 2019 से लेकर 22 अगस्त 2019 तक चला था। टोटल 39 शिफ्ट में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। यदि फ्रेंड्स आप 39 शिफ्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का जो आंसर आया था उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का है, आप उस लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर PDF अवेलेबल मिलेगा, लगभग 1000+ पेज का PDF है MTS का, तो आप वहाँ से इजीली उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। उस PDF में आपको सभी सेक्शंस देखने को मिलेगा, GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सेक्शंस देखने को मिलेंगे। वहीं से मैं ये हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ JK GS का। इसके पहले हम लोग 2 अगस्त 5 अगस्त 6 अगस्त के तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस को देख चुके हैं। अब आज के इस वीडियो सेशंस में 7 अगस्त 2019 के तीनों शिफ्ट के GK के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है, तो ये मेसोपोटामिया संस्कृति से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा तूफान के नाम से किसे जाना जाता है, तो कपिल देव को हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया था, प्राचीन भारत में गंधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था, तो कुषाण वंश द्वारा यह विकसित किया गया था गंधार शैली। क्वेश्चन फाइव पूछा गया था, पुरुषों की भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह, राष्ट्रीय हॉकी टीम 2019 के कप्तान थे। क्वेश्चन सिक्स देखिए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु के नाम थे। ये सेवन देखिए, द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये रस्किन बॉन्ड जी हैं। क्वेश्चन एट देखिए, जब छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा, तो ये बढ़ा हुआ आकार होगा। क्वेश्चन नाइन देखिए, भारत के खेल मंत्री कौन है, तो ये किरेन रिजिजू हैं खेल मंत्री। क्वेश्चन टेंथ देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो बी ए राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 11 देखिए, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन देखिए 12, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत प्रवाहित वर्षा जल संग्रहण ढांचा होना अनिवार्य है, ताकि हम लोग जल का मतलब अलग तरीक़े से यूज करें, उसे मतलब व्यर्थ ना जाने दें, इसलिए तमिलनाडु राज्य में सभी छत पे क्या वहाँ पर संग्रह करने का व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन 13 देखिए, अमीबा किस जगत से संबंधित है, तो ये प्रोटिस्टा जगत से संबंधित है। क्वेश्चन 14 देखिए, पिता के गुण सूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मेल होते हैं उसमें XY गुणसूत्र होते हैं और जो फीमेल होती है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। यदि मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मैच होता है निषेचन के दौरान तो उस टाइम लड़की होगी, अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स मैच होता है निषेचन के दौरान तो उस टाइम लड़का होगा, यदि XX मिलता है तो लड़की, XY मिलता है तो लड़का, तो यहाँ पर लड़की का जन्म होना XX के कारण होता है, संयोजन के कारण। तो आई होप कि आप समझ गए। क्वेश्चन 15 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 51A या 51K में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 16 देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 2013 में पारित किया गया था। क्वेश्चन 17 देखिए, गुरु घासीदास
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 18 देखिए, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन 19 देखिए, कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में दुर्गंध का कारण बनती है? तो ऑक्सीजन जो गैस है ये खाद्य उत्पाद के दुर्गंध का कारण बनती है। क्वेश्चन 20 देखिए, भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये के नोट पर कौन सा रूपांकन मौजूद है? तो मंगलयान को दर्शाया गया है, रूपांकन किया गया है 2000 के नोट पे। क्वेश्चन 21 देखिए, किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य जो है ये कर्नाटक में मनाया जाता है उत्सव। क्वेश्चन 22 देखिए, ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जिम्मेदार है ओजोन परत के पिघलने के लिए। बाकी 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स नहीं थे इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो 1938 के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन 2 देखिए, INTACH का फुल फॉर्म पूछा गया है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। क्वेश्चन देखिए इनटेक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3, ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन है? तो ये बिन्नी बंसल जी हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन 5 देखिए, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन था नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नीति आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन 6 देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन 7 देखिए, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी जो हैं, ये ब्रूम्स एंड ग्रूम्स पुस्तक के सह लेखिका हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? तो चार बाग की शैली मुगलों ने किया था। क्वेश्चन 9 देखिए, किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था। क्वेश्चन 10 देखिए, द बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरके नारायण जो है द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन 11 देखिए, कौन सा दर्रा सही मेल नहीं खाता है? तो दर्रा दिया था एक तरफ, स्टेट दिया था, तो जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, मैना दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है, नाथुल्ला दर्रा सिक्किम बिल्कुल सही है, शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश ये गलत है, ये मेल नहीं खाता है, शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पर सही मेल नहीं खाने वाला था शिपकिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। क्वेश्चन 12 देखिए, पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण तक के उनके स्थान के क्रमा अनुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित करें। नल्ला माला पहाड़िया था, शिवराय पहाड़िया, पालाकोंडा पहाड़िया, जावड़ी पहाड़िया, इसे उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाना है क्रमबद्ध व्यवस्थित से। तो सबसे पहले एक नंबर पर आएगा उत्तर में नल्ला माला की पहाड़िया, उसके बाद सेकंड में आएगा पालकोंडा की पहाड़िया, उसके बाद आएगा जावड़ी पहाड़िया और लास्ट में आएगा शिवराय पहाड़िया, ये सबसे दक्षिण में है। तो इस क्रम में 1, 3, 4, 2 के क्रम में सज जाएगा। क्वेश्चन 13 देखिए, IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आते हैं? तो ये लुप्त प्राय श्रेणी में आते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है IUCN का, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके मतलब इसके अंतर्गत बाघ जो होता है लुप्त प्रायरी के श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 14 देखिए, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो डायरिया बीमारी के रोकथाम में रोटा वायरस टीका का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, ओलंपियन खिलाड़ी ब्रुनी सुरीन किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा देश से संबंधित है ब्रुनी सुरीन।
क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पाद सूचकांक प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रकाशित करता है। क्वेश्चन 17 देखिए, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान की अधिकार दिया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया जो देश है महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान देने का अधिकार दिया था। क्वेश्चन 18 देखिए, बाघ की गुफाएँ किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश में है ग्रेट बैरियर रीफ। क्वेश्चन 20 देखिए, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कतरनिया घाट जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 21 देखिए, भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है। क्वेश्चन 22 देखिए, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है उच्च न्यायालय केरल और लक्षद्वीप का। क्वेश्चन 24 देखिए, उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदान के क्षेत्र में सबसे उपजाऊ वाला क्षेत्र है खादर क्षेत्र है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन सही है खादर। क्वेश्चन 24 देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी जो होते हैं ये राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया ताकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन सेकंड पूछा गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस के खिलाफ किसने अपनी नाइट हुड उपाधि को त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइट हुड की उपाधि त्याग दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद। क्वेश्चन थर्ड देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य 10 है, अस्थायी 5 है, टोटल 15 है। तो अस्थाई यहाँ पर पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, प्रसाद योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई? तो ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन फाइव देखिए, बाब अल मंडब जल संधि किस जल निकायों को जोड़ती है? तो ये लाल समुद्र और अदन की खाड़ियों को जोड़ती है बाब अल मंडब जल संधि। क्वेश्चन सिक्स देखिए, किंग जे एडम्स किस खेल से संबंधित है? तो ये स्केटबोर्डिंग से संबंधित है। क्वेश्चन सेवन देखिए, किस गुणवत्ता चिन्ह का सही मिलान नहीं है? हॉलमार्क देखिए, हॉलमार्क जो सिंबल होता है आप सभी देखे होंगे चांदी सोना की आभूषणों पर दिखते हैं, तो चांदी का आभूषण बिल्कुल सही है। एक मार्क कृषि उत्पाद पर आप लोग देखे होंगे। क्वेश्चन थर्ड देखिए, FPO जो आप होता है संस्कृत खाद्य उत्पाद उस पर देखने को मिलता है, जो ISI है इस पे देखिए इसका सही मिलान नहीं है। अर्ध प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद पर इसका नई सिंबल होता है जबकि ये ISI का सिंबल जो होता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स का गुणवत्ता पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे स्विच वायर जो आता है ना उस पे ये ISI का उस पे मतलब सिंबल्स बनाया जाता है। क्वेश्चन एट देखिए, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ये समताप मंडल में स्थित है ओजोन गैस। क्वेश्चन अजून परत। क्वेश्चन 9 देखिए, कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? ऑप्शन था निर्माण, खनन, मत्स्य पालन, कृषि। तो प्राथमिक गतिविधि निर्माण नहीं है जबकि खनन, मत्स्य पालन, कृषि ये सभी है। क्वेश्चन 10 देखिए, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र है। क्वेश्चन 11 देखिए, भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो बम्बई में स्थापित किया गया था भारत की प्रथम कॉटन मिल। क्वेश्चन 12 देखिए, साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो साम्राज्यवाद में जो कैलिको के नाम से कपास को जाना जाता था। क्वेश्चन 13 देखिए, मोबाइल ऐप सी विजिल को डैश के लिए लॉन्च किया गया था? तो सी विजिल को नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए सी विजिल ये मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 14 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बेसबॉल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन 15 देखिए, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का कारण होता है? तो देखिए तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं अपवर्तन के कारण दिखते हैं ऐसा। क्वेश्चन 16 देखिए, किस ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम को भी
पहला नियम भी कहा जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को इसे उष्मागति या थर्मोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन सा विशेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? धर्म निरपेक्ष, स्वतंत्रता, ये तो है, सहिष्णु जो है ये नहीं है, संप्रभुता ये है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सहिष्णु जो है ये प्रस्तावना का अंग नहीं है। क्वेश्चन 18 देखिए, कौन सी संस्था भारत की नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है? तो साहित्य अकादमी जो है ये नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स है। क्वेश्चन 19 देखिए, किस भारतीय शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है? तो अहमदाबाद को यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 देखिए, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो है जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो ऑप्शन था दाद, ये तो फंगल्स है, ये खसरा जो है ये वायरस जनित रोग है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा, हैजा और टाइफाइड ये जो है जीवाणु द्वारा होते हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका देश में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। बाकी तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो फ्रेंड्स ये रहा तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस। आप इसका हैंड नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे 8 अगस्त 2019 के तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। इस तरह डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देकर टोटल 39 शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। आने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। आप सभी देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने थे, यहाँ से क्वेश्चंस रिपीटेड होने की काफ़ी संभावना है, इसलिए सभी सेशंस को पेशेंस बनाकर जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।